Hey guys, welcome back to my channel। और अभी हम खेलने वाले हैं कॉल ऑफ ड्रैगन्स गेम। और हम आपको बताया, देखिए इसमें सबसे पहले एक स्टोरी बिल्ड होता है, उसके बाद से हमारा गेम प्ले होता है। तो सबसे पहले हम स्टोरी देख लेते हैं। ओके, भविष्यवाणियों को भुला दिया गया था। ओके, कोई भविष्यवाणी हुई थी उसको सभी ने भुला दिया है। ओके, हम पुराने ग्लेशियरों में डूब रहे हैं। ओके, यहाँ पे तीन बंदे फाइटिंग कर रहे हैं, हमारे दुखद अतीत को दोहरा रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे तीन बंदे फाइटिंग कर रहे हैं और बेमतलब का वजह लेकर ये तीनों आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो तीनों फाइटिंग कर रहे हैं यही हमारे मेन करेक्टर होने वाले हैं। इन तीनों में हमें अलग अलग स्टोरी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनके फाइटिंग कैसा चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, और हम आपको बता दें कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं विक्ट्री के लिए। ओके, यहाँ बहुत ही शानदार फाइटिंग चल रहा है भाई। और तीनों आपस में अलग अलग करेक्टर अलग अलग स्किल के साथ आते हैं। ओके, और ये मैजिशियन है भाई। ओके, ये तीनों आपस में मारने पे आ गए हैं एक दूसरे को, तो इसी ने बचा लिया इसको। ओके, हम जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओके, आने वाली उथल पुथल से अनजान है, तो भाई यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। ओके, तो इनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और यहाँ पे ओले गिरा रहा है भाई कुछ इस तरह से। ओके, अंधेरा छा गया है, अंत निकट है। तो भाई ये आपस में फाइटिंग कर रहे थे तभी किसी बंदे ने इन पर अटैक कर दिया है, और जो कि काफ़ी घातक अटैक किया है, सभी तरह से इसने चारों तरफ उथल पुथल मचा दिया है और इनके साथियों को भी फिनिश कर रहा है भाई। ओके, बहुत ही डेंजरस है भाई, यहाँ पे फाइटिंग तो बहुत ही दर्दनाक चल रहा है यहाँ पे। ओके, कौन है भाई? तो भाई कोई ड्रैगन है, बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रैगन हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसी ने अटैक किया है इनके ऊपर। तो अभी तो इनको इससे बचना है वरना ये इनको फिनिश कर देगा भाई। तो ये फिर से एक होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये एक हो गए हैं। अब ये इस तीर की मदद से इन सभी को बचाने वाला है। ये अटैक करेगा ड्रैगन, यहाँ पे देख लो, तो ये बचा रहा है इन तीनों को। हम गंभीर खतरे में हैं, तो ये बोल रहा है कि हम अभी बहुत ही गंभीर खतरे में हैं और यहाँ से ये शायद अब निकलेंगे। हम भाग्य से कैसे लड़ते हैं, और इसी की भविष्यवाणी हुई थी कि इनके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। ओके, अब यहाँ से ये तीनों फाइटिंग करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल ऑफ ड्रैगन। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, हमें तीन करेक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तामरीस देश में अंधकार छा गया है, तो हम तीसरे वाले पे क्लिक करते हैं, पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करते हैं। जी हाँ, और हम एथरन को फिर से लेंगे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने इस करेक्टर को लिया है, देख लीजिए, हम दो और करेक्टर ले सकते थे लेकिन हम बीच वाले को सेलेक्ट किए हैं। अब हमें इसी का स्टोरी देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत में प्रकाश के देवता लियोसा ने एक भविष्यवक्ता को एक सपने के साथ आशीर्वाद दिया। सपना हमें एथरन की पवित्र भूमि तक ले गया, जो एक उदार और उपजाऊ जगह है। ओके, यहाँ पर स्टोरी बताया जा रहा है। प्रकाश के देवता द्वारा देखे जाने पर हम बढ़े और कई गुना बढ़े, देदीप्यमान मानव सभ्यता का निर्माण किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बता रहा है भाई, लेकिन तब ओर्स जमे हुए टुड्रा से भीतरी इलाकों में बह गए और हमारे पूर्वजों को पवित्र भूमि से दूर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओके, लेकिन फिर भी युद्ध ने हमें ढूंढ लिया। द नाइट ऑफ बर्निंग स्टार्स ने भूमि पर अंधेरा ला दिया। पवित्र भूमि को त्यागने के बदले हमें जो शांति मिली वो बहुत आसानी से टूट गई।
ओके, तो इन लोगों ने पवित्र भूमि को भी त्यागा है। तामरिस अपनी सबसे अंधेरी रात का सामना करता है, लेकिन इस बार एथरन के बच्चे नहीं लड़खड़ा है। ओके, हमारे युद्ध गीत खून और आंसुओं में नहाए हुए हैं, ऊपर रोशनी हम पर नजर रखना, एथरन फिर से हमारा होगा। तो भाई यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टोरी फिनिश हो गया। मेरे भगवान, मैं मारा हूँ, आपका भरोसेमंद सलाहकार, पवित्र भूमि को फिर से हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए मैं सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। ओके, धुंध ने हमारे दायरे में अराजकता ला दी है, अब हमारा यहाँ एथरन को फिर से लेने का मौका है। आगे का रास्ता लंबा और जोखिम भरा होगा, हमें अपने शहर को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है भाई, कृपया लकड़ी मिल बनाने का आदेश दें ताकि हम लकड़ी इकट्ठा कर सकें और अपनी दीवार को मजबूत कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने वाल को मजबूत करना है। ओके, तो हम अपने यहाँ पे वाल को मजबूत कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लंबर मिल पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ठीक है भाई लगाते हैं, हम यहीं पर सही है भाई। ओके, तो यहाँ पर हमने लंबर मिल बना दिया। ओके, अब क्या बोल रहा है, और लकड़ी भी इकट्ठा कर दी। हमारे पास वह सारी लकड़ी है जिसकी हमें ज़रूरत है, अब हम अपने दीवार को मजबूत कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपने दीवार को अपग्रेड करते हैं ताकि कोई भी अटैक करे तो हमें इजीली ना फिनिश कर पाए। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी दीवार एक मजबूत नींव पर बनी है, अब यह और भी मजबूत है जिससे बचाव करना आसान हो जाता है और हमला करना मुश्किल हो जाता है। ओके, दीवार पर पहरा देने के लिए तलवारबाजों को प्रशिक्षित करें और वे रात दिन दुश्मन पर नज़र करें। तो हमें कुछ सैनिकों को यहाँ पे प्रशिक्षण करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्वॉर्ड कैंप है भाई, ट्रेन करते हैं इनको। तो यहाँ पे हमने कुछ सैनिकों को भी ट्रेन कर दिया, इस पर क्लिक करते हैं जल्दी से। डन, अटल होना, हम नहीं डगमगाएंगे। तो यहाँ पे स्वॉर्ड मैन ने हमने कुछ ट्रेन कर दिया है, हमारे सैनिकों को ज्योति में विश्वास है, वे एक अजय ढाल होंगे। ठीक भाई, हमारे सैनिक बहुत ही मजबूत हैं। तो यहाँ पे हमें जाना, ठीक, कोई तो आ रहा है भाई यहाँ पे। स्वॉर्ड्समैन, तो यही बंदा है मेरे भगवान, एक जादूगर शरण लेने आया, वो कहता है कि वो धुंध में खो गया था, उसे एक बार दिखाओ। हम इस पर क्लिक करते हैं, सोहिंग वाइल्डर, तो भाई यही है जिसको हमने क्लिक किया था। मेरा नाम वाल्डिर है, मेरे भगवान, मैं रॉयल कोर्ट का जादूगर हूँ। ओके, धुंध इतनी अचानक आई, अभी मुझे रास्ता भटकते देर नहीं लगी थी और मैं एक ड्रैगन के हमले की चपेट में आ गया। ओके, तो आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी, लेकिन 1000 से अधिक वर्षों में किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा होगा। मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। देख लीजिए, इन्हीं पर ड्रैगन ने अटैक किया है, जिसमें से एक बंदा यहाँ पे आया है और उसके साथ साथ ये जीव भी थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, मानो वे अंधेरे से ही पैदा हुए हों। तो जो भी इसको अटैक किया था उसको बता रहा है ये, ठीक है। अंधेरे से पैदा हुआ, रक्त लाल आंखें, वे निश्चित रूप से डार्क लिंक्स होंगे जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है, अंधकार के सेवक। ओके, और भविष्यवाणी ड्रैगन की वापसी की बात करती है, लेकिन डार्कलिंग कैसे एक ड्रैगन को अपने पक्ष में कर सकते थे, तो ये कंफ्यूज है भाई। प्रतिवेदन, शहर के बाहर संदिग्ध दिखने वाले लोगों का समूह है। तो भाई शहर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनको हम सबसे पहले भगाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक भालू को पकड़ लिया है, वे कुछ कर रहे हैं। ओके, तो शहर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और एक भालू को यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। हमारे नियंत्रण में इस भालू के साथ हम शहर को बर्बाद कर देंगे, डार्कलिंग। तो यहाँ पे डार्कलिंग से लड़ने के लिए वाल्डर जाएगा और उनको फिनिश करेगा। ये बोला है कि मुझे आदेश दीजिए उनको उनसे फाइट करने के लिए। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी सेना में शामिल होने का अनुरोध करता हूँ, मुझे इन प्राणियों से लड़ने के अनुभव है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा हर तरह से। ओके, तो ये बोल रहा है कि मुझे इनसे लड़ने दीजिए, अपने सैनिक अपने टीम में शामिल कर लीजिए। तो ये भाई लड़ने आ गया है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो ये इनको भगाएगा, और ये देख लो जादूगर भी है भाई जिसके ऊपर ड्रैगन ने अटैक किया था। हम अभी भी अपने दुश्मन के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं और मैं उनके चारों ओर फैल अंधेरों को महसूस कर सकता हूँ। इससे पहले कि आप बाहर निकले, कृपया एक कलाकृति लेने के लिए मेरे पीछे मधुशाला तक आएँ, यह आपके आगे लड़ाई में ताकत देगा। ओके,
तो कहीं लेकर जा रही है भाई। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डन। यहाँ पे भी क्लिक, गो टू टावर्न, ओके। यहाँ पे क्लिक करते हैं और शायद ये शामिल कर रही है ड्रॉ। हम इस पर क्लिक करते हैं, डन, ओके। हम इस पर क्लिक करते हैं, इक्विप करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, How does this ओके। हीरो factor into our plans? पावर कंफर्म करते हैं, बैक चलते हैं भाई। मुझ Thank पर you for your विश्वास trust करने in के लिए me. धन्यवाद। मैं I will फौरन set off अपनी फौज के alert साथ रवाना हो in the जाऊंगा। light to प्रकाश catch you. आपकी रक्षा करे। तो देख लो, ये बंदा जो आया है ड्रैगन से बचकर, वो फाइट करने जा रहा है। जो भी यहाँ पे डार्कलिंग है, हम सर्च पे क्लिक करते हैं और उसको भगाएगा, ओके। हमारी पुकार सुनो, आप अंधेरे की सेवा करेंगे। डार्कलिंग बोल रहा है भाई, यही है, मैं उन्हें Oh, चुप करा sure. दूंगा। तो वहाँ वाल्डेर, इसका नाम वाल्डियर है या फिर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ओके। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, डन, मर्ज करते Always हैं। be prepared. और देख लो, अब हमें इन्हीं को भगाना है। और यहाँ पे हमें एक सोने का कुछ ऐसा पत्थर दिखाई दे रहा है, और भालू को इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। तो भाई जल्दी से इनका फाइट ख़त्म हो यहाँ पे, और ये इनको भगाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, डन, ओके। तो यहाँ पे हमने इनको फिनिश कर दिया और ये भाग गए। ये केवल शुरुआत है भाई, डार्कलिंग धमकी दे रहा है। तामरीस में अंधेरा फैल गया है, आपका कयामत निकट है। चल भाई जा, अभी तो फिलहाल हमने तुम्हें भगा दिया। और ये भालू भी यहाँ पे छूट गया, और शायद ये अभी ये भी निकल जाएगा यहाँ से, ओके। This मैं इसके soul, अंदर की बुराई को I महसूस कर sense सकता some हूँ। evil inside it. We हम can't इसे leave यहीं it नहीं here. छोड़ सकते हैं। तो भाई इसको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मिला है जो कि पत्थर का है, मिस्टीरियस स्टोन है। तो हम इसको उठाते हैं, और ये बहुत ही नेगेटिव मिस्टीरियस स्टोन है। ये किसी को भी अपने बस में कर सकता है, तो ये इसी को लेने जा रहा है, ओके। इसको हम कलेक्ट करते हैं और लेकर चलते हैं, ओके। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डन, और My लेकर आ गए। lord, माय लॉर्ड, the डार्कलिंग्स को darklings have भगा been दिया गया alerted. है। थैंक यू पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डन करते हैं। भाई मेरे I have पास कुछ something you ऐसा है need to जो see. आपको देखना चाहे। Take a इस look at this पत्थर को stone. देखिए, तो यही पत्थर ये लेकर आया है। Isn't इससे pure कोई भी energy बुरी emanating ऊर्जा from निकल it? रही है। द The डार्कलिंग darklings इसका are using उपयोग it उस to भालू curse को our श्राप care. देने के लिए करते हैं। वे What भालू if I को were to एक में use बदलने this के लिए to इसका turn the इस्तेमाल bear करने into a की योजना servant बना of रहे थे, darkness? अंधेरे का नौकर। ओके, मारा बोले, ये Such dark तामरिस में power ऐसी has डार्क never पावर been पहले seen कभी before नहीं in its देखी गई है। might. शायद ड्रैगन भी Perhaps the इसी के dragon is श्राप के तहत also an था, ancient ओके। curse. यदि Darklings डार्कलिंग्स और seem to bring more प्राणियों को creatures अपने to bear नियंत्रण में control. लाते, तो यह We will हमारे लिए stand in the पवित्र way भूमि as को we फिर से take हासिल this sacred करने के land. रास्ते में खड़ा We होगा। must आइए unravel जानते this हैं secret इस behind पत्थर this के stone. पीछे का रहस्य, ओके। तो हम सबसे पहले इस पत्थर के पीछे का रहस्य जानेंगे कि आखिर ये पत्थर है क्या भाई, ये मिस्टीरियस स्टोन है क्या। ओके, मैं आपके लिए शोध छोड़ दूंगा, ओके, डन। हम इस पर क्लिक करते हैं। जितना हमने Situation is सोचा more था, dangerous स्थिति than we उससे कहीं thought. ज़्यादा We don't खतरनाक know है। what could be हम नहीं happening जानते right हैं कि now अभी in our एथरन में homeland. क्या हो रहा है। कृपया धुंध Please को पार deploy a करने के लिए scout एक to traverse स्काउट the तैनात mist. करें। He'll वह pass through गेट the ऑफ gate of ग्लोरी से glory, गुजरेगा, cross the आयरन Iron हिल्स को Hills, पार करेगा, and और find out पवित्र about the भूमि को situation and स्थिति के save बारे it. में पता लगाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो मिस्टीरियस स्टोन है, और क्या बोला My यहाँ पे lord, कोई तो बोला, मेरे the भगवान, snow, बर्फ, बारिश rain, और रात की gleam of उदासी light. के माध्यम I से will मैं do धुंध all I का can पता to लगाने darken में this आपकी spore of mist. मदद करने के लिए सब कुछ करूँगा, ओके। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हमारा स्टोरी बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो गया है। बिल्ड स्काउट कैंप, तो यहाँ पे हम स्काउट कैंप बनाते हैं जल्दी से, और हमारा स्टोरी बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया। और जो ड्रैगन ने अटैक किया था इनके ऊपर, वो इसी मिस्टीरियस स्टोन के वजह से इनके ऊपर अटैक किया था, ठीक है। एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, और हमारा स्टोरी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है भाई। और ये देख लीजिए, हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। अब हम अच्छे से यहाँ पे अपना गेम प्ले Our करेंगे। scout हमारा will स्काउट report अच्छे backwards in समय good में time. हमें वापस For रिपोर्ट now, we करेगा। must अभी के return लिए हमें home, अपना शहर build our बनाने और city, अपनी सेना को strengthen our मजबूत forces. करने के लिए घर लौटना चाहिए। तो यहाँ पे इनका स्काउट जो है वो निकल गया है पता लगाने के लिए। अब हमें यहाँ पे अपना घर को मजबूत करना है, अपग्रेड करना है, ओके। हम यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं सबसे पहले, तो अपग्रेड हाल। अब हम Now अपने we can शहर का निर्माण continue जारी building रख our सकते city. हैं। एक शक्तिशाली शहर Powerful पवित्र city will भूमि को फिर से support from हासिल the करने के road to लिए retake the सड़क पर city हमारा back. समर्थन करेगा। तो सबसे पहले तो हम अपने हाल को यहाँ पे अपग्रेड कर लेते हैं क्लिक करके।
डन। उसके बाद से स्काउट कुछ तो खबर लेकर आएगा, उसके आगे का काम हम तब करेंगे। यहाँ पे मारा बोल रही, यह हाल ऑफ आर्डर हमारे शहर का दिल है, यह हमारी न्यू है और हमारे शहर के विकास का गवाह बनेगा। तो जो हमारा हॉल है वही हमारा मेन कैंप है भाई। बहुत पहले हमने एथरन को अलविदा कह दिया, अब ये हमारे लिए समय है घर आना। ओके तो अब देख लो हमारा यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। इसका लगभग हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो हम लेकर आएंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले करने वाले हैं।